नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी, उसमें 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव से चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। सभी कोरथा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब पी थी और मना करने के बावजूद वह गाड़ी चला रहा था। मुंडन भी उसी के बच्चे का था। इस हादसे में वह बच गया है और फरार है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के हेल्टा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में हादसे में घायल मरीजों का हालचाल पूछा। वहीं आपको बता दें कि आज एक ही गांव से 26 सर्दियां उठने वाली हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निर्जन ज्योति भी गांव पहुंची थी। एक साथ इतनी सारी लाशों को देखकर वह रो पड़ी। उन्होंने महिलाओं को हौसला दिया। वहीं आपको बता दें कि मंत्री राकेश सचान गांव पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की। इलाज और मुआवजे को लेकर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस ने एक कमेटी भी बिठाई है। वहीं एडीजी भानु भास्कर ने 60 थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत 4 PRV जवानों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया है। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी ये लोग सही समय पर नहीं पहुंचे थे। लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एम्बुलेंस देरी से पहुंची, अगर समय पे पहुंचती तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। तो बगल में ट्रैक्टर खड़ा था, पानी पलट गई थी, उनको पानी में सब ऊपर से दब गए थे। चाहते तो तुरंत ट्रैक्टर से पानी पलट जाती, सब लोग बच जाते। प्रशासन देखता रहा, कुछ नहीं किया। जब दो तीन लोग ट्रैक्टर में बैठे लोग, बच्चे लोग, बच्चे लोग गाँव से अपने गांव से दो ट्रैक्टर लेके गए, कम से कम 100 आदमी लेके गए, तब जाके पानी पलटवा। और पुलिस प्रशासन वहाँ कोई मदद नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो एम्बुलेंस भी नहीं आए टाइम पे। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके सब लोग आए। जितना आदमी थे, लेडीज थे, बच्चे थे, वहाँ कोई नहीं बचाए वाला पेला थे। तो क्या लगता है कैसे हुआ था हादसा, कैसे हुआ था? ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? लगभग 30 लोग हैं, 10-12 बच्चे, बाकी लेडीज और आदमी है। जाते समय हुआ हादसा? ये आते समय, आते समय इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, थानेदार हो या कोई हो, कोई नहीं। क्या लगता है, क्या लगता है प्रशासन की किस तरह लापरवाही? उन्होंने ये समझो जान ले लेगा। चाहते तो 2 मिनट लगता बगल में ट्रैक्टर खड़ा था सिंधी साहू का। चाहते मुश्किल तो 100 मीटर नहीं, ट्रैक्टर से डाली पलट जाती हो। मानो दो चार लोग मर भी जाते, उसे मरते नहीं। अगर 10 मिनट 4 मिनट के अंदर ट्राली पलट जाती, सब बच जाते। हमारा गाँव जो भी होगा, हमारा गाँव पड़ता है 8-9 किलोमीटर। वहाँ से ट्रैक्टर लेके हम लोग गए, जानकारी हुई, तब जाके पलटे। अब प्रशासन मुख देखता रहा। अब जब वहाँ कुछ लोग जिंदा भी बचे, बचे भी जिंदा, उनके पानी नहीं निकाला, हम लोग दबा दो, तो उनसे बोले एम्बुलेंस, बोले एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके आया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।